जिला परिषद बोर्ड बैठक के दौरान सदस्य दुर्गादास ने चेयरमैन रोबिन गोराई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। जल्द से जल्द एकदम कार्रवाई होना चाहिए एकदम, क्योंकि हम लोग दास का दावा है कि उनके साथ 10 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, क्योंकि ये जनता का विश्वास उठ गई है पूरा, क्योंकि 6 महीना या 7वां महीना बाद हम लोग का मीटिंग हो रहा है। बोर्ड का बैठक होना यदि महीना में हो या 2 महीना में हो तो गांव का विकास तय है। तो ये आज हम लोग अध्यक्ष पर हम लोग का सभी का विश्वास उठ गया, सारे हम लोग सदस्यगण साइन करके हम लोग अविश्वास ला रहे हैं, क्योंकि गांव का विकास नहीं हो रहा है। गांव का जनता एकदम त्रस्त है, क्योंकि गांव का जनता हम लोग को बहुत आशा और उम्मीद के साथ चुनकर भेजी है, और गांव के जनता के पास जब हम लोग जा रहे हैं तो कुछ भी तरह का किसी तरह का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो सिर्फ शहर का विकास कर रहे हैं और शहर के पूंजीपति के लोगों के साथ मिलकर ये विवाह मंडप बेचे हैं, एप्पल बेचे हैं, सारे जितने भी जो आज मार्केट वगैरह खुला है सारे लोगों से मिलकर ये सिर्फ किए हैं काम, और हमारा गांव का विकास के बारे में सिर्फ बोलते हैं गांव का बेटा है, लेकिन गांव का विकास का कोई काम नहीं किए हैं। इसलिए हम लोग ये उस पर अविश्वास रखते हैं। हम लोग 10 मेंबर साइन करके दे दिए हैं और ये अविश्वास प्रस्ताव दे दिए हैं, ये बहुमत साबित करें, और आशा है हमारे सारे यहाँ पदाधिकारियों को, जब हम सचिव जी से भी ये है आग्रह है और कि वो इस पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो आज हम चेयरपर्सन हैं, हम घर के मुखिया हैं, और हम बोलेंगे कि हमारे लोग नहीं सुन रहे हैं तो शायद हमारी कमजोरी है। हम कमजोर हैं तब कोई हमारा नहीं सुन रहा है। यदि हम सक्षम रहेंगे और काम कराने में किसी सबको बाध्य करेंगे और हर महीना बैठक होगी तो ये आज ऑफिसर्स भी अपना मनमानी नहीं करेंगे और समय पे काम करेंगे और सभी को साथ। वहीं जिस समय प्रस्ताव पेश करने के लिए दुर्गादास ने जैसे ही संबोधन शुरू किया, ठीक उसी वक्त चेयरमैन रोबिन गोराई ने अचानक बोर्ड बैठक समाप्त करने की घोषणा कर दी और मीटिंग छोड़ चल दिए। दास ने अपने प्रस्ताव से संबंधित आवेदन सचिव को सौंप दिया। दास ने कहा कि गांव में सदस्य अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं है, निर्धारित समय पर बैठक नहीं हो रही है। दुर्गा के साथ समर्थन में शामिल अन्य सदस्यों में अशोक कुमार सिंह, रेणुका मोदी, सीमा बावरी, निशा देवी, अंजना देवी, रेणु देवी, हीरामन नायक, कमली देवी शामिल है। वहीं बोर्ड के अन्य सदस्यों ने किया विरोध करते हुए कहा कि दुर्गा दास के अविश्वास प्रस्ताव सदन में रखना चाहिए। सुभाष राय ने कहा कि बोर्ड बैठक जब भी सही तरीके से संचालित होती है तो हंगामा किया जाता है, काम नहीं हो पा रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर सदस्य सुभाष राय ने चेयरमैन का पक्ष लिया। इसी पर निरसा विधायक अरूप चटर्जी के प्रतिनिधि गौतम दसौंधी ने विरोध किया। इसी को लेकर दोनों तरफ से आरोप लगाए गए। इन दोनों के कारण बोर्ड बैठक के बाद हंगामे की स्थिति उत्पन्न हुई। सवाल तो पूछ ही सकते हैं ना, क्या आप ही पूछिएगा, हम लोग नहीं पूछ सकते। अध्यक्ष साहब को बोलिए आपके जवाब दे, अपना जवाब देने से अध्यक्ष साहब मान रहे हैं, हम लोग नहीं मान रहे हैं। हम लोग जवाब दे रहे हैं तक का जो नियमावली बना गया है, इसमें जो सरकार के द्वारा निर्देश है और गाइडलाइन है कि यहाँ जिला परिषद को फंड नहीं मिल रहा है, सारा जितना भी 14वीं वित्त आयोग का जो फंड है उसको सब पंचायत में मुखिया को दे दिया जा रहा है, तो यहाँ से विकास कहाँ से हो सकता है? जो भी विकास थोड़ा बहुत जिला परिषद का अपना आय है, आय का स्रोत है, तो उससे कुछ काम हो सकता है, लेकिन यहाँ जिला परिषद बोर्ड को यहाँ कुछ लोग कुछ सदस्यों के कुछ सदस्य जो है सो यहाँ राजनीति का अखाड़ा बना दिए हैं। जो लोग अपने अध्यक्ष चुनाव इस सब में पराजित हुए हैं वो लोग अपना अध्यक्ष के प्रति खिसियानी रखते हैं, खिसिया अपना प्रति इसका द्वेष रखते हैं, और इसके लेकर के हमेशा बैठक में जो है सो ग्रामीणों का हम लोग ग्रामीण के समस्याओं को लेकर आते हैं, लेकिन वो लोग कुछ सदस्यों को अपने साथ लेकर के हंगामा खड़ा करके उनका एक ही मकसद आता है कि किसी तरह से हंगामा करके बोर्ड की बैठक को फेल कर देते हैं। इसी कारण से आज जो है सो कोई भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का काम नहीं हो पा रहा है। कुछ हम बिल्कुल सहमत नहीं है इसमें, अध्यक्ष लाव हटाओ इस खेल में। कितने लोग साथ है अध्यक्ष के? बाकी जितने बचे सदन में कोई प्रकार का इसका बात ही नहीं हुआ है। अच्छा, अविश्वास प्रस्ताव का किसी प्रकार का चर्चा ही नहीं हुआ है, वो कुछ लोगों का
अपना मन का बात है, सिर्फ वही लोग जो है सो कुछ लोग मात्र अब इस